संवाददाता अलग अलग स्कूलों से जुड़े हैं। खुद हमारे साथ एसडी कॉलेज की जो मेरठ की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मनमोनी जी, वो भी लगातार जुड़ी हुई है। एक बार उन्हीं का ही रुख कर लेते हैं। मैम, तमाम बातें आपने हमसे साझा की हैं। इस बार यूपी बोर्ड 100 साल के इतिहास में पहली बार बिना एग्जाम कराए अपने रिजल्ट सामने रख रहा है। ऐसे में आपकी उम्मीदें क्या है इस बार के रिजल्ट से? तो दोबारा उनसे हम बात करेंगे। शायद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क उनसे टूट रहा है, लेकिन हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अनूप के पास चलते हैं, एमएम कॉलेज में। अनूप, वहां पर मौजूद हैं आप लगातार, आप वहां पर आनंद मिश्रा जी से भी बातचीत कर रहे थे जो कि प्रबंधक है। एक बार बच्चों से भी जरा आप बातचीत कीजिए, उनका उत्साह कैसा है, किस तरीके से उनका लेवल हाई है, एनर्जी उनकी कितनी दिखाइए। देखिए शिवांगी, बिल्कुल ये पहली बार जो है एक इतिहास है, और ये सरकार जो है उस इतिहास को जो है आज रचने वाली है, क्योंकि 100 साल का ये पहला इतिहास है जहाँ बगैर पेपर दिए जो है बच्चों को पास करने का जो सिस्टम है वो किया गया है। और जाहिर सी बात है कि पूरा देश जान रहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी से जो है सभी को जो है परेशानी उठानी पड़ रही है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हमने खो दिया, तो ऐसे में सरकार ने जो है बच्चों के जीवन को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया। हमारे साथ यहाँ पर महात्मा मेमोरियल इंटर कॉलेज के जो बच्चे हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो कुछ ही देर में आने वाला है, और जाहिर सी बात है कि इनको पता है कि ये पास तो है ही। हालांकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो मेरिट में आते, वो अपने हिसाब से उनको मार्क्स मिलते, वो टॉपर की श्रेणी में आते, तो बच्चे में ऐसा खुद ही मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। बेटा आज रिजल्ट आ रहा है, क्या कहेंगे? सरकार ने क्योंकि कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया कि बगैर एग्जाम दिए बेगर आप लोग पास हो जाएंगे, तो अब जो बोर्ड का पेपर आज रिजल्ट आ रहा है आपका, क्या कहेंगे आप लोग? पता नहीं, एग्जाम तो दिया नहीं है तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते क्या आएगा क्या नहीं। आप एग्जाम देते तो हम लोग जान सकते थे कैसे मार्क्स आते हैं हम लोग के, अब एग्जाम दिया नहीं है तब भी इतनी तो उम्मीद है कि ठीक ठाक ही आएंगे मार्क्स। पास तो आप लोग हो ही रहे हैं, ये तो सरकार ने तय कर दिया है। लिंक कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है एग्जाम देना चाहिए था, ये जिस तरह से ये सिस्टम है कि आप सीधे जो है रिजल्ट आ रहा है आप लोग पास हो रहे हैं? हम लोग ने बहुत मेहनत की थी, उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि वो एग्जाम होने चाहिए थे हम लोग के। आप क्या कहेंगे जी? एग्जाम अगर देते तो हमें लगता नंबर सही आते, अब ऐसे तो पास हो ही गए हैं, एग्जाम देते तो और सब पक्का ही था हम लोग का नंबर आते। हम लोग इतनी मेहनत की थी, क्या उम्मीद की थी इस बार आपने? ये उम्मीद तो बहुत है कि सब पेपर होंगे, लेकिन पेपर नहीं हुए हैं कोरोना वजह से, अगर पेपर होते तो सही नंबर हम लोग को मिलते, पेपर नहीं हुए मालूम हो गया पास हो गए ऐसे ही, पेपर होते तो हाँ पक्का था पूरा। मेरे साथ और भी बच्चे हैं जी, क्या नाम है आपका? जी इतेन सिंह। इतेन जी, आज आप लोगों का रिजल्ट जो है आउट हो रहा है, कुछ ही देर में जो है आपका रिजल्ट आपके सामने होगा जी, जी। तो सरकार ने ये जो फैसला लिया कोरोना महामारी के चलते, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए सर, सर हम लोग तैयारी तो की थी सर पढ़ाई की, और सर हम लोग को उम्मीद थी सर हम लोग ज़्यादा ही नंबर लाएं, पर सर जो भी है सर सब सही ही है, सर जो भी होता है सर अच्छे के लिए होता है, सर हम लोग अच्छे हैं पास हुए हैं, अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जो हुआ सही हुआ, क्योंकि इसमें हम लोगों का ही फायदा है, और हम लोगों ने मेहनत भी बहुत की थी तो हम लोग पास भी अच्छे नंबरों से हो जाएंगे। पास तो गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन कोई अपेक्षाएं थी? आपने जिस तरह मेहनत की हो, को लगता है कि ये जो सिस्टम ये सही नहीं है? नहीं सर, सिस्टम सही है सर जी, मेहनत करते कर रहे थे हम लोग, बट ये पास हुआ तो ठीक है। कितनी खुशी है आज जो है रिजल्ट आउट हो रहा है आप लोगों का? सर खुशी नहीं, चिंता है कि मार्क्स खराब आएंगे अच्छे आएंगे पता नहीं है, क्योंकि मेहनत बहुत की थी पर एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो हम लोग को चिंता बहुत है कि मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी एग्जाम कैंसिल होने से निराशा आपको लगी? जी सर, चाहते थे एग्जाम हो जाते तो मतलब मार्क्स चाहते, पर तो आप हो ही रहे हैं, ये खुशी नहीं है? ये सर उसकी तो खुशी है। आप क्या कहेंगे? सर जो भी है हमारे हित के लिए किया गया है जी। तो ये सारे देश का ही मैटर है, सिर्फ एक किसी अकेले के लिए तो है नहीं, तो हमारा पास करना है, साल बर्बाद ना हो तो सरकार के अच्छा नियम था। अच्छा, सरकार ने जो फैसला लिया कि कोरोना महामारी से जो एग्जाम है वो नहीं कराए गए, रिजल्ट जो है वो आउट हो रहा है, सभी को पास भी होना है, ये जो फैसला है ये कैसा देख रहे हैं? सर ये फैसला राष्ट्र के लिए ही लिया गया है, क्योंकि सारे बच्चे अगर ठीक से मेहनत ना कर पाते, कोरोना के चक्कर में कोई बीमार हो जाए तो उसके पेपर ना दे पाते तो और उसको बुरा लगता, सभी को पास करना भी राष्ट्र के ही लिए है।
क्या कहेंगे, लोगों के जीवन को भी देखना था गवर्नमेंट को, यही वजह है कि ये इतना बड़ा फैसला लिया, पहली बार है 100 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। जी सर, गवर्नमेंट ने फैसला तो सही लिया है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए इस समय उनके लिए सही हो गया है, लेकिन हम लोग जो मेहनत की थी लगा था कि हाँ और हम लोग सही कर सकते थे उसको, हम लोग सही कर सकते थे और नंबर अच्छे से ला सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं, तो उसके लिए भी सही, बच्चों के लिए भी सही है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी बहुत सही है, अब भरोसा है हाँ पास हो सकते हैं हम लोग ऐसे भी। अच्छा, ये जो फार्मूला बनाया है गवर्नमेंट ने 30% 40% 40% का, इस तरह ठीक है? यस सर, क्योंकि और कोई हमारे पास था भी नहीं कि पेपर भी नहीं ले सकते थे, और ऑनलाइन में अधिकतर चीटिंग ज़्यादा हो जाती है, सो उससे राष्ट्र के लिए कुछ पता भी नहीं चलता कैसे बच्चे हैं, ऐसे पुराने रिजल्ट देख कर भी सही रिजल्ट दे सकते हैं। अनूप, आपको रोकना चाहेंगे, अनूप हमारे साथ हमारे सहयोगी एसएस झा भी जुड़ चुके हैं झांसी से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। एसएस झा, आप लगातार बने हैं और देखिए कुछ ही वक्त बचा है, 3:30 क्योंकि बच चुके हैं, इंतजार है सिर्फ रिजल्ट आने का, कितना वक्त और लग सकता है, कितनी उत्सुकता बढ़ती जा रही वहां पर टीचर्स की और बच्चों की स्कूल में? देखिए मैं आपको बता दूं, महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज की छात्रा है, इंटर की छात्रा है, हमारे साथ देखे लगातार खड़ी हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका रिजल्ट की घोषणा होती है और हम कब घर जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, कोरोना काल में बच्चियों ने लगातार पढ़ाई की है, लेकिन कई बार ऐसा भी रहा कि इनका नेट नहीं रहा तो उस दिन पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन हाँ यहाँ के टीचर्स वगैरह ने, मैडम्स वगैरह ने, इन लोगों ने इन बच्चों की बड़ी मदद की है, लगातार इनको मदद करते रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही है, यहाँ के प्रधानाचार्य, इनका कहना है जिस बच्ची के पास अगर नेट नहीं था उसके लिए नेट की व्यवस्था भी कराई है, लेकिन सबसे अच्छी बात है। लेकिन हमारे साथ तमाम वो बच्ची, आइए बताइए कितना इंतजार आप लोग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, भले ही हम लोग पास हो चुके हैं लेकिन थोड़ा तो नर्वसनेस है ही कि कैसी परसेंटेज हम लोगों की बनेगी, तो इस चीज़ में थोड़ी हम लोगों को नर्वसनेस है। आप बताइए आप कितना इंतजार है? काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, हमेशा सस्पेंस बना रहा कि कब डेट हो जाएंगे, पास होने के बाद हाँ। आपको लग रहा है कि पास हो रहे हैं या पास तो हो जाएंगे, लेकिन वही परसेंटेज मैटर करती है आगे भी फ्यूचर में हमेशा। क्या परीक्षा फिर से देंगे आप क्या? अगर अपॉर्चुनिटी है तो, अगर कम मार्क्स आते भी हैं तो एक ऑप्शन अच्छा है, खुला हुआ है हम लोग के लिए। ये लगातार हमारे साथ ये बच्ची जुड़ी है, इसकी छात्रा इसने दिन रात मेहनत की है, कॉलेज के पड़ोस में रहती है। अच्छा ये बताइए, तुम तो बार बार स्कूल के पड़ोस में रहती हो, क्या आना जाना रहा तो है नहीं आपका कोरोना काल? सर कोरोना काल में तो नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जब एक ऑप्शन खुला कि आप आके कभी कभार जो आप समझ में ना आए वो टीचर से पूछ सकते हैं, तो हम आ जाते थे। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो तीन चार दिनों में जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती, 3-4 दिन में एक बार हम लोग आके पूछ लेते, हमारा घर तो पास में, तो हम जल्दी आ जाते। पास हो जाते हैं, पास हो माना की, तो सबसे पहले आप किससे मिलेंगे? आप सर पापा से। तो सर आप पास होने के बाद किससे मुलाकात करेंगे? सर पापा से बात करेंगे, किसी आपकी माँ से बात करेंगे? सर पापा से। पापा ने क्या किया? सर पापा मेरे टीचर है, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझको पढ़ाया। और बड़ी खबर देखिए, इसी बीच आने वाला है यूपी बोर्ड का रिजल्ट, कुछ ही देर में कुछ ही पलों में रिजल्ट सामने होगा, बच्चों के भविष्य की इसमें एक तरीके से झलक दिखेगी। यूपी के छात्रों में धीरे धीरे उत्साह बढ़ रहा है, छात्रों को परिणाम को लेकर काफी जिज्ञासा उनके अंदर है। भारत समाचार पर देखिए आप यूपी बोर्ड का रिजल्ट, 10वीं और 12वीं का आने वाला रिजल्ट है, कुछ ही पल और इंतजार और इसके बाद ये रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। वेबसाइट पर जाके तमाम छात्र जो है हाई स्कूल इंटर की वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। छात्रों में परिणाम जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। भारत समाचार पर देखिए इस बोर्ड के नतीजे किस तरीके से, विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम जो है जिसके रिजल्ट आज सामने आने वाले हैं किस तरीके से आएंगे, क्योंकि बेहद दिलचस्प रहेगा रिजल्ट। आखिरकार 100 साल बाद ऐसा पहली बार होगा कि बिना एग्जाम के बच्चों को पास किया जा रहा, उनके पिछले एग्जाम्स के नंबर को देखते हुए परसेंटेज के हिसाब से उनके मार्क्स जोड़े जाएंगे, हालांकि मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी ताकि इनसे बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भ्रम ना हो। इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा, स्क्रूटनी की हालांकि कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन जरूर दिया जा रहा है कि अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो तब जब कोरोना केसेस कम हो और सरकार इसके इंतजाम कराए। लेकिन अभी इंतजार है तो इस रिजल्ट का, जो कि कुछ ही पलों में जारी किया जा सकता है। वेबसाइट पर 3:30 से 4 बजे के बीच का वो वक्त है, किसी भी पल अब ये रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा वेबसाइट पर। भारत समाचार पर हम आपको सबसे पहले नतीजे दिखाएंगे और लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भारत समाचार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी एक उत्सुकता है, एक क्रेज है उनके रिजल्ट जानने का।
अनूप हमारे साथ बने हुए। अनूप ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ और पल कुछ और सेकेंड, जब उसके बाद ये सभी छात्र जो आपके साथ है वो अपना रिजल्ट जान पाएंगे। बात कीजिए उनसे। अनूप आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अनूप से हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा उनसे बात करेंगे। झांसी का रुख हम कर लेते हैं, सज्जा के पास चलते हैं। सज्जा लगातार बच्चों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें इंतजार बहुत कम है और किस तरीके से देखिए आज का रिजल्ट होगा इस पर नजर बनी रहेगी। हमारे हर एक संवाददाता जगह जगह अलग अलग स्कूलों में इस वक्त मौजूद हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि हर स्कूल में भारत समाचार इस वक्त देखा जा रहा है। भारत समाचार पर सबसे पहले तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट को हम दिखाएंगे। आज सभी की निगाह है, हर एक बच्चे की निगाह भारत समाचार की स्क्रीन पर है, क्योंकि कुछ और पल का इंतजार होगा जब यह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर इंतजार हर एक स्टूडेंट को इस वक्त है, रिजल्ट आने का जो उम्मीदें उन्होंने लगाई थी, हालांकि वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होंगी इस रिजल्ट से, क्योंकि वो चाहते थे कि पिछली अगर हाई स्कूल में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इंटर कॉलेज जब इंटर में एडमिशन हो तो वो इससे और बेटर ऑप्शन उनके पास होगा अच्छे तरीके से पेपर देने का। लेकिन इस बार हालांकि ये ऑप्शन उनके पास नहीं रहा, इसलिए यहां पर लगातार बातचीत की जा रही है स्टूडेंट से। हमारे साथ है सरस्वती विद्या मंदिर जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहां से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र आपका करेंगे इंतजार बहुत कम, कुछ ही पल में रिजल्ट सामने आने वाला है, अगर आप वहां के बच्चों की तस्वीरें दिखा सकते तो जरा दिखाइए क्या वो कह रहे हैं इस वक्त। देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर जो सिविल लाइन में स्थापित है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पीछे यहाँ पर जो छात्र हैं वो बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने के लिए अपने विद्यालय परिसर में आ गए हैं। अब कुछ ही पल शेष रह गया है, जो थोड़ी देर में ही जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, तो बड़ी बेसब्री से इन छात्रों को इंतजार है कि कब रिजल्ट होगा और कब ये रिजल्ट में। जी ये बताइए कितना बेसब्री से आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पे आधे घंटे से अभी आए हैं, इसलिए अभी यहाँ पर अभी फोटो की अभी शूटिंग हो रही है। देखिए ये बच्चे हैं बड़ी बेसब्री से अपने घरों से यहाँ आए हुए हैं, हालांकि बारिश का मौसम है, बरसात भी हो रही है, इस सबके बावजूद भी अपने विद्यालय परिसर में यहाँ पर ये मौजूद है और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि कब औपचारिक जो घोषणा है वो रिजल्ट का होगा और ये रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा। जी शिवांगी आगे जाओ। हाल किस तरीके से घड़ी की सुइयां जो बढ़ रही, उनके दिल की धड़कन भी यकीनन बढ़ रही होगी रिजल्ट को लेकर। बातचीत कीजिए जरा स्टूडेंट से, टीचर से वहां के। 2 3 4 हेलो चेक 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 चेक। तो बातचीत लगातार देखिए हम कर रहे हैं, कुछ तकनीकी खामी जिसकी वजह से लगातार संपर्क टूट रहा है, लेकिन हम आपको रिजल्ट सबसे पहले दिखाएंगे। अनूप के पास चलते हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप आप वहां पर मौजूद है, जरा जानिए कितना और वक्त और किस तरीके से इंतजार बच्चों का यहां पर बढ़ रहा है। देखिए बिल्कुल शिवांगी, यूपी बोर्ड का आज जो रिजल्ट जिस तरह से जो है बस कुछ ही पल में जो है आने वाला है, और भारत समाचार जो है महा कवरेज जो है दिखा रहा है, और जो बच्चे हैं जो प्रिंसिपल हैं जो अभिभावक हैं उनकी जो खुशियां हैं उनकी जो इच्छाएं हैं वो लोगों तक जो है पहुंचाने का काम जो है वो भारत समाचार कर रहा है। हमारे साथ महात्मा मेमोरियल जो इंटर कॉलेज है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं प्रबंधक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, जहाँ यहाँ पे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जो है कुछ ही पल में जो है सामने आने वाला है वो भी मौजूद है, हम इन्हीं से बात करेंगे। कितनी खुशी है आप लोगों को आज जिस तरह से रिजल्ट आउट हो रहा है आप लोगों का? सर उत्सुकता तो है लेकिन डर भी बना हुआ है, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गए थे तो पता नहीं मार्क्स कैसे आने वाले हैं, तो डर ज्यादा लग रहा है। कुछ उम्मीद थी कि कितने परसेंट से आप पास होंगे जिस तरह से आपने मेहनत की हो? सर जिस तरह मतलब मेहनत तो की थी, 75% तक एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, बट एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी 60 आ जाए बहुत बड़ी बात। अच्छा कुछ ही मिनट में जो है आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो जाएगा, आपके सामने होगा, पता चल जाएगा कितने परसेंटेज से जो है आप पास किए गए, तो क्या कहेंगे, कोई उत्सुकता है या कोई सवाल है कि ये होना चाहिए? सर उत्सुकता तो है क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें हम पास ही होंगे, बस टेंशन इस बात की कि परसेंटेज कितने आने चाहिए, बाकी परसेंटेज इतनी मेहनत की थी अब उतने आ भी सकते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट का है तो फिर सबके लिए ही है। वो सरकार ने एक ऑप्शन भी किया है कि यदि किसी को लगता है कि नहीं ये मार्क्स सही नहीं है, हम फला जो है कंडीशन में पास होते, तो उसके लिए आपको जो है एग्जाम देने की व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट, बस जस्ट
जब कोरोना काल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? सर वो तो अब परसेंटेज दिखने के बाद ही पता चल सकता है, रिजल्ट आने के बाद, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। उत्सुकता कितनी है? उत्सुकता सर है क्योंकि पास तो कर दिए गए हम सारे, बाकी तो फिर अब पूरे देश का मामला है, हम अकेले तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल, आप क्या कहें, कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी सर, बिल्कुल सर, हम लोग सर मेहनत किए सर, नाइन्थ में भी सर रिपोर्ट कार्ड सर जो सरकार का सर बेस्ट था कि सर नाइन्थ के रिपोर्ट कार्ड 95,097 उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण प्रतिशत हमारा 97.88 है, वाणिज्य वर्ग में 72,211